पर उत्तराखंड के टनकपुर शहर जहां पर हिमालयन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा, टनकपुर में फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजकों को बधाई देता हूं। इस टूर्नामेंट का आयोजन चंपावत के साथ ही अन्य 3 जनपदों में भी चल रहा है। ऐसे आयोजन प्रतिभावान युवाओं को आगे आने का मौका देते हैं। हम सभी के लिए जीवन में खेल का महत्व उतना ही है जितना उगते हुए सूरज का है। खेल हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और खेलों से हम में रचनात्मकता आती है, सकारात्मकता आती है। हमें जीवन में सकारात्मक होने की भी प्रेरणा जो है खेलों से मिलती है। कितना भी नकारात्मक हो, कितना भी कठिन हो, ऐसे समय में भी हमको खेल जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे मन में एक सकारात्मकता का भाव लाते हैं। बहुत सारे हार्मोन ऐसे होते हैं खेल के खेलने से उनका स्राव प्रारंभ हो जाता है, उनका सिक्रीशन प्रारंभ हो जाता है, जिससे हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, रचनात्मकता आती है, सकारात्मकता आती है। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोगों ने पिछले साल नई खेल नीति को हम लोगों ने लागू किया है और नई खेल नीति अब धीरे धीरे पूरी तरह से चलन में आ रही है। क्योंकि मैं खेल और खिलाड़ियों से कोई भी अवसर होता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता कि खिलाड़ियों के बीच में ना जाऊं। कभी भी कोई कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में मैं